LG UP 7500 और LG UP 7720, इन दोनों टीवी के अंदर तीन डिफरेंसेस हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इन दोनों पर्टिकुलर टीवी का लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो उधर से भी चेक कर सकते हो। नंबर वन जो डिफरेंस है, 7500 मॉडल पे आपको एक साल का वारंटी मिलता है और 7720 जो मॉडल है उसमें आपको तीन साल का वारंटी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है, 7500 मॉडल पे आपको कोई मैजिक रिमोट नहीं मिलेगा। अगर आपको पता नहीं कि मैजिक रिमोट क्या होता है, तो मैजिक रिमोट एक ऐसा रिमोट है जिसके माध्यम से आप एक कर्सर के जरिए पूरा टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो ना, वैसे ही टीवी में भी आपको एक कर्सर रहेगा और रिमोट को ऐसे ऐसे करके आप पूरा टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा दूसरे कोई टीवी में, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बहुत ही ईजी हो जाता है काम करने में। ओके, और कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला मॉडल खरीदते हैं जिसका प्राइस थोड़ा कम है, और बाद में अमेजोन से वो कुछ रिमोट है, मैजिक रिमोट, वो परचेज़ कर लेते हैं। बट मैंने देखा कि मैजिक रिमोट तो बहुत सारा है अमेजोन पे, बट जो कम प्राइस वाला मैजिक रिमोट है, 1000 रुपये के अंदर आता है, उसमें कोई वॉइस कमांड सपोर्ट नहीं करता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉइस कमांड। और जो ठीक ठाक एक रिमोट है वॉइस सपोर्ट करता है, क्वालिटी भी अच्छा है, उसका प्राइस है अमेजोन पे 3000 रुपये। तो वो आप परचेज़ कर सकते हो, और आप सेकेंड वाला मॉडल भी ले सकते हो जिसमें आपको ऑलरेडी वो रिमोट मिलेगा। आपके लिए जो बेहतर रहेगा, जिसमें आपको कम पैसा खर्च होगा, वो आप कर सकते हो, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, सेकेंड मॉडल में यानी कि 7720 मॉडल पे आपको ये मैजिक रिमोट मिलेगा, और 7500 मॉडल पे आपको ये मैजिक रिमोट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है 7500 मॉडल पे आपको थिक बेजल देखने को मिलता है, थोड़ा थिक बेजल। आप अमेज़ोन से जाकर चेक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। थोड़ा मतलब ठीक है जो उसका बेजल है, और 7720 मॉडल का आपको बहुत ही थिन बेजल देखने को मिलता है, जो कि बहुत स्मार्ट दिखता है, बहुत ही कूल सा दिखता है। और हाँ, पैनल की बात किया जाए तो 50 इंच वाला जो साइज़ है इस मॉडल का, दोनों टीवी का जो 50 इंच वाला साइज़ है, उनमें आपको VA पैनल देखने को मिलता है, और बाकी साइज़ में आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा। दोनों टीवी के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है, ओनली 50 इंच आपको VA पैनल, और बाकी सब साइज पे आपको दोनों टीवी पे ही IPS पैनल देखने को मिलेगा। तो सपोज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कुछ हेल्प हुआ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे इन दोनों टीवी का सब साइज़ का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जो मन मर्जी, आपके लिए जो बेहतर रहेगा, या फर्स्ट मॉडल या सेकेंड मॉडल, जो आपके लिए बेटर रहेगा वही आप खरीद सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड वाला मॉडल खरीद सकते हो, यानी कि 7720 वाला मॉडल। उसमें आपको 3 साल का वारंटी मिल जाएगा और एक मैजिक रिमोट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हो। आज के लिए गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।